पिछले 50 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब फूट होती दिख रही है। किसान नेता गुरुराम सिंह ने दूसरे किसान नेता शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट करार दिया है। शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है। आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ कैसे बयान दिए हैं, और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा। बता दें कि हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। किसान नेता शिव कुमार कक्का के मुताबिक गुरुनाम सिंह चन्नी पिछले कुछ दिनों से विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे और उनकी बैठकों में भी शामिल हो रहे थे। वहीं किसान मोर्चे की बैठक से नदारद रह रहे थे। उधर कार्रवाई से नाखुश गुरुनाम सिंह ने शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बताया है और कहा है कि यह कार्रवाई आरएसएस के इशारे पर हुई। किसान आंदोलन में पड़ी इस फूट के बाद बीजेपी की बाँसें खिलती नजर आ रही हैं। वहीं इस आंदोलन को तेज करने का प्रयास कर रही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस आंदोलन पर पहले से ही कांग्रेस के इशारे पर आंदोलन करने का आरोप लगता रहा। वहीं किसान नेताओं ने बीजेपी पर किसान संगठनों में तोड़ का आरोप लगाया था। यदि आंदोलन में फूट पड़ती है तो किसानों का ही नुकसान होगा और सरकार फायदे में रहेगी, क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही किसान आंदोलन में फूट करने का प्रयास कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन कमजोर होगा और जिसका नतीजा ये होगा कि किसानों की मांगे अधूरी रह सकती हैं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।